हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम आए हुए हैं मालबर्ग मॉल। एक्चुअली हमें आना जाना था वॉलमार्ट, सो अभी हम जाएंगे और कुछ कुछ ग्रॉसरीज की सामान लेंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं तो हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें कि वॉलमार्ट में क्या कैसे 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 सामान मिलता है और कितने प्राइस में मिलता है, ग्रॉसरीज की प्राइस कितनी है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि करेंटली आपका जो मंथली ग्रॉसरीज का खर्च है कितना होगा। एटलीस्ट एज अ कपल और वॉलमार्ट पे सब कुछ मिलता है। इन पे आप ग्रॉसरी से ले लो, क्लोथ्स ले लो, चीज ले लो, सब कुछ, लाइक छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ले लो और छोटी मोटी फर्नीचर होती है, सारी कुछ मिलती है। मतलब हाउस होल्ड की सारी आइटम मिलती है, डेकोरेशन, डेकोर, किड्स के लिए सब कुछ मिलती है। तो वन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड वॉलमार्ट वो काफी फेमस है कनाडा में, और कनाडा में हर एक जगह अवेलेबल है। हाँ, और अफोर्डेबल भी है। और अफोर्डेबल भी है। तो चलते हैं अब वॉलमार्ट और आपको दिखाते हैं सारी चीजें। ये आ गए हम वॉलमार्ट, चलते हैं अंदर। आ गए हम अंदर, हमारा पूरा वेजिटेबल एंड फ्रूट सेक्शन। यहाँ पे देखो, अगर आपको खुला लहसुन दिखना लेना है तो आपको पड़ेगा ये अप्रॉक्स हाफ केजी का $5.46। रॉ बनाना वी कैन टेक, राइट? रॉ बनाना है पर LB $1.47। और यहाँ की वॉलमार्ट देख लो, काफ़ी बड़ी है, आपको एक एंड से दूसरी एंड दिखेगी भी नहीं। तो हम पहले ले रहे हैं ये बनाना, रॉ बनाना, इससे हमारा केला का भुजिया वगैरह या केला का सब्जी बनाना होगा वो बन जाएगा। सो ये हम ले रहे हैं दो, क्योंकि अप्रॉक्स दो हो जाएगा हमारा हाफ केजी। प्लास्टिक लेना है, जैसे सोनू निकाल रहे हैं प्लास्टिक लेना है और उस पर इसको डाल देना है। बनाना जो कि है 78 सेंट्स में, सिर्फ 78 सेंट्स में हाफ के जी। और टोमेटोज कितने टाइप की है, ये आपको बॉक्स में भी छोटी वाली मिल जाएगी, जो कि है 340 ग्राम्स फॉर $3.97। फिर हम यहाँ आते हैं, ये है आपका खुला टमाटो जो कि आपको मिलेगा हाफ के जी फॉर $2.47। कुकम्बर जो कि है ये $1.67। तो ये हमें एक पीस मिल रहा है $1.67 में, तो हम दो लेंगे ये। वन एंड टू। हम आगे हैं फ्रूट सेक्शन में, आप देखो ये वाली एप्पल जो है आपको मिलेगी $2.47 में फॉर हाफ के जी। सो अब हम आगे हैं ग्रीन एप्पल्स की तरफ, जो कि है $2.97 फॉर LB पर LB। तो ये LB हमारा अप्रॉक्स 450 ग्राम आता है, अप्रॉक्स हाफ के जी मान लो, हाफ के जी का अप्रॉक्स आपको 180 रुपीज अगर इंडियन प्राइस में बोले तो। और ये बड़ी वाली एप्पल का भी $2.97। और ये है आपका पियर्स फॉर $2.97, ये भी हाफ के जी का अप्रॉक्स, यानी कि 1 LB। वाटरमेलन, मिनी वाटरमेलन, और ये है अप्रॉक्स $5.97, 1 वाटरमेलन फॉर $5.97। और ये है आपका पोटैटोज एंड ओनियन सेक्शन, सो ये आपको पैक में भी मिलेगा, छोटी छोटी आलू, ब्राउन और रेड और येलो। तो ये जो है आपका येलो पोटैटोज मिनी वाला है $5.97 फॉर 2.2 kg, और रेड वाली $4.97 फॉर 2.27। और ये है हमारा रेड पोटैटोज खुला वाला, जो कि हमें मिल रहा है $1.97 फॉर हाफ के जी फॉर LB पर LB। तो ये हो गया हमारा रेड पोटैटो, और जो येलो पोटैटो है वो है हमारा $1.97, सेम, दोनों की प्राइस सेम। अब आते हैं हम ऑनियन, जो यहाँ पे बहुत यूज होता है और काफ़ी लोग इसको लेते हैं, और इसका प्राइस है $4.97 फॉर 3 LB।
यानी कि अप्रॉक्स आपका 3 LB का प्राइस है $4.97। अब हम आते हैं रेड ओनियन पे, जो कि हम यूज़ करते हैं, हम जनरली रेड ओनियन ही यूज़ करते हैं, तो उसका है अप्रॉक्स $4.97 पर 1.36 kg। तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, बट हमें टेस्ट इसी का सूटेबल लगता है, तो हम रेड ओनियन और हम 10 LB का ले जाते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ी सस्ती मिल जाए। जैसे हम रियल कैनेडियन स्टोर में हम लास्ट टाइम ले गए थे 9.9 की 10 LB, तो वो सस्ती पड़ी थी रेड ऑनियन, तो हम वहाँ से वो ले लिए थे। अभी हमारे पास ओनियन और पोटैटो है तो हम नहीं लेंगे। एक यहाँ पर और वैरायटी होती है वाइट वाली भी है, जो कि है ½ kg फॉर $1.97, पर ये हमने कभी ट्राई किया नहीं है। वाइट ऑनियन अगर दिखाऊँ तो ये ऐसी है। ये रिम्पी अभी ऑरेंज, पता नहीं इनको ऑरेंज लेना है क्या, रिम्पी ले सकते हैं क्या? इनकी प्राइस अगर बताऊँ तो ये $2.97 फॉर $2.27 फॉर ½ kg 1 LB, और ये नींबू इनकी प्राइस है 97 सेंट्स, एक की 97 सेंट्स है। वन पीस फॉर 97 सेंट्स। ये वाली ग्रीन, ये वाली लेमन अच्छी, ये भी 97 सेंट्स, ये वाली ग्रीन है। टिम्पी ऑरेंजेस ले रही हैं, अब कितना लेंगे पता नहीं। 4 पीसेस तो मैं लूँगी, खाती नहीं अलग बात है, मेरे को खाना पड़ता है। तो मैंने ले लिया 4, और ये पता नहीं कितना होगा, हाफ कीजिए $2.27। सो आई हैव टेकन 4, लेट्स सी, 27 सेंट्स ईच, यानी कि आप एक ले सकते हैं $3.97 में। पाइनएप्पल भी आप देख सकते हो, क्या यम्मी दिख रही है। ये आ गया आपका किचन सेक्शन, किचन के एक्सेसरी सब कुछ। लास्ट टाइम आपको हमने डॉलरामा में दिखाया था, तो आपने अगर हमारा वो वीडियो देखा होगा तो आप प्राइस डिफरेंस एनालाइज कर पाओगे। यहाँ पे मतलब सब कुछ अवेलेबल होती है। अभी हम तो ये सेक्शन में आए हैं किचन एंड डाइनिंग, तो किचन एंड डाइनिंग सेक्शन में सब कुछ अवेलेबल जो कि आपके किचन को चाहिए। और यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपको ये सब लेना है तो $5.57 में आपका ये छोलनी वगैरह आ जाएगा। ये हमने लिया था $3 में इन डॉलरामा, और यहाँ पे मिल रहा है $5.97 पे, तो $2-3 का डिफरेंस है यहाँ पे किचन एक्सेसरीज में। ये बहुत बड़ा सा स्टोर है, तो आपको अगर पता करना कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिलेगी, तो ऐसे करके ऊपर बोर्ड टंगा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है किचन एंड डाइनिंग सेक्शन, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ बाथ। अब हम यहाँ आते हैं, ये सारा लंच बॉक्स है, तो डॉलरामा में मैंने लंच बॉक्स लिया था $4 में और छोटी वाली $3 में। यहाँ पे है, हमें मिल रहा है ये $7.97 में लंच बॉक्स मिल जा रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अफोर्डेबल है लंच बॉक्स। तो अगर आपको लंच बॉक्स वगैरह लेना है तो आप यहाँ से वॉलमार्ट से ले सकते हो। ये है $7.97 और ये कांच का भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। बहुत टाइप के लंच बॉक्स हैं यहाँ पे, इनफैक्ट डॉलरामा से ज़्यादा है, तो कलेक्शन बहुत अच्छी होती है वॉलमार्ट में। फिलहाल अभी हम आ गए हैं पूरी बेडिंग सेक्शन में, क्योंकि हमें याद है कि हमारा पहला एक्सपीरियंस जब हम पहला शॉपिंग करने वॉलमार्ट आए थे, तो हम बेडिंग सेक्शन में वॉलमार्ट में ही आके हम सारा बेड शीट्स, पिलो कवर्स, इनफैक्ट पिलोज और हमारा कंफर्टर सारा कुछ हम यहीं से ले गए थे। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये सारा कंफर्टर $19.88 का है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तो आप यहाँ से ट्राई बिल्कुल कर सकते हो। ये सब रेंज ठीक रहता है इनका, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा है, सॉफ्ट भी है और डबल है 19.88 में। ये कंफर्टर सेट में देखो, ये है आपकी 44.97, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे इसको छू के ट्राई करके भी देख सकते हो, और रिटर्न करने का यहाँ झमेला नहीं होता वॉलमार्ट में, आप वापस ला सकते हो। और हम ऐसा ही एक ब्लैंकेट ले गए थे, बहुत सही था, और ये शायद कलर अलग है, हमारे पास ब्लैक था, 0.97 की है। हम ले गए थे वो शायद 35 की $36 की थी, बहुत कम्फर्टेबल है, और आप ऐसा ले जा सकते हो यहाँ पे रूम पे, तो पता है कि थ्रू आउट सीजन। ये ब्लैंकेट की खासियत ये है ना कि ये थ्रू आउट सीजन चल जाएगी आपको यहाँ पे कनाडा में, तो हीटिंग के लिए हीटिंग रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। हाँ, 29-30 के में ये मिल जाती है, और साथ ही हम पिलो भी यहीं से ले गए थे, और पिलो की आप मैं देखूँ तो हम आ गए अभी फिलहाल पिलो देखने के लिए, कि ये है 9.97 की एक, हम ऐसा ही ले गए थे, और ये बहुत कम्फर्टेबल है, प्लस ये बहुत स्पॉन्जी है, तो साइज़ भी इसकी अच्छी, थिकनेस भी बहुत अच्छी है,
तो केलों की कलेक्शन यहाँ पे काफी अच्छी है, $9 से शुरू हो रही है और काफी अच्छी है। तो सारी अभी 9 की है, इसलिए थोड़ी 11 की है, तो थोड़ी लाइक क्वालिटी का डिफरेंस है, थोड़ी मोटी लग रही है, बड़ी है, साइज बड़ी है, 14.97। ये पता नहीं यहाँ का कोई ब्रांड है, शायद उनका ये है सटा कूल नीड्स, या 14.97 की है। तो यहाँ पे 14, 20, 29, 30 तक की रेंज की अवेलेबल है। सारा मोबाइल का भी कनेक्ट न्यू कनेक्शन के साथ मिल जाती है, देख सकते हो गैलेक्सी एस अल्ट्रा, सारी प्राइस भी अवेलेबल है, मोटो जी, यानी एप्पल की यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, पर यहाँ पे इनका स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है इनका, काफ़ी कुछ अवेलेबल है। देखिए शूज़ का सेक्शन है, ये $15 में सारा शूज़ है, इतना सारा, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और रेंज भी काफ़ी अफोर्डेबल है। और ये $15 में आपको एक शूज़ मिल रहा है वॉलमार्ट में, ये रनिंग वगैरह के लिए या डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत लाइट भी है, बहुत अच्छी लाइट है। तो $15 में आपको ऑलमोस्ट हर कलर की ये वाली शूज़ तो मिल जाएगी, हर कलर में अवेलेबल है ये शूज़, और काफ़ी अच्छी है, ब्रीदेबल है, समर के लिए काफ़ी सही है। सो यहाँ पे शूज़ की क्वालिटी आके चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है, फॉर मेन ऑल्सो, फॉर वुमेन ऑल्सो, और किड्स के लिए भी काफ़ी सारी कलेक्शन आप देख सकते हो कलेक्शन। इनफैक्ट स्लीपर्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, फ्लिप फ्लॉप्स। हाँ, ये कैनवस है, कैनवस आपको मिल जाएगा $19 में, कैनवस $19 में, और ये सारे सिंपल शूज भी है, वो भी आपको $24 की रेंज में मिल जाएगी, और ये भी है $19 में। ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है ऑफिस के लिए, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है और $19 में है, बट वाइट है, अगर पीच रहता तो मैं सोचती नहीं मैं ले लेती, बट ये वाइट है, बट अच्छी है $19 में, बहुत अच्छी। और इधर भी आप देख सकते हो स्लीपर का कलेक्शन बहुत सारा है, ये सारी $12 में, इतनी सारी शूज़ है ऑलमोस्ट हर कलर की, ये वाली तो अच्छी लग रही है $12 में, और यहाँ भी है हर कलर का, यहाँ कलर काफ़ी अच्छा है, ये पूरी पॉप कलर है, $19 में आपको सारी पॉप कलर की स्लीपर्स मिल जाएगी, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये सब सारा अच्छा लग रहा है, पॉप कलर के सारे हैं। क्लोथिंग्स वगैरह में सेल लगा हुआ है, तो $22 की जो MRP है वो आपको मिल रही है $15 में, तो क्लोथिंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी है, जॉगर्स वगैरह सब कुछ अभी सेल में है, तो अच्छा है। सिर्फ $13 में मिल रहा है सेल में, ये सब सारे स्वेटर, कितनी अच्छी कलेक्शन है, वो सिर्फ $13 में है, सच में क्वालिटी बहुत सही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, सारी सेल में, क्योंकि अभी समर्स आ गए हैं तो लोग अभी स्वेटर ले नहीं रहे, इसलिए सारी सेल में अभी। सी दिस ओनली फॉर $13, इसकी ओरिजिनल MRP है $25। ये स्वेटर देखो, ये भी ओनली फॉर $13, थोड़ी हाई नेक लग रही है टाइप की, अच्छी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल, सही है, और इसका ओरिजिनल MRP भी $25 का है, बट ये मिल रही है ओनली फॉर $15। हम मेन सेक्शन में भी थोड़ा देख लेते हैं, ये $45 की है, काफ़ी हेवी शूज़ है, लग रहा माउंटेन शूज़ ट्रैकिंग के लिए बेटर है, और आप बाइकर के लिए बाइकर शूज भी बोल सकते हैं इसको, प्राइस रेंज बहुत काफ़ी सही है, $45 में है। सारी ये 45 की है जो यहाँ पे लगी हुई है, ये कौन से ब्रांड की है, और अगर मैं थोड़ी फ्लैट देखूँ शूज़ तो ये सारी 39 रेंज की है, 39 आप देख सकते हो, ये सारी 39 की हैं, और मेरे को ये सारी शूज़ पसंद नहीं आती, मेरे को थोड़ी फ्लैट, मैं वो देख रहा हूँ जैसे ये कैजुअल्स, एक सही कलर दिख रही है मेरे को, पता नहीं कौन सी है, ये भी जॉर्ज की है, इसकी प्राइस की अगर बात करूँ, ये सारी भी 15 की है, और ये कलर बहुत अच्छी लग रही है, बस मेरे को भी शूज़ लेना नहीं है, नहीं तो मैं ये ले लेता, तो कलर अच्छी लग रही है, अच्छा कलर लग रही है, ये चल सकता है, बट इसको लेना नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ के बाकी चीज़ों को देखते हैं। कैसा लव वाइट शूज़, वाइट एंड ब्लैक, वाइट तो काफ़ी अवेलेबल है, प्राइस भी ये सारी 29 और 30 की रेंज की, जो भी आप देख रहे हो ब्लैक में, और ये वाली वाइट, या अगर मैं बात करूँ ये वाली, ये 29 की है, ये सारी रेंज है 29 to 30। तो ये है केचप, आप देखो आपको टमाटो केचप मिल जाएगी यहाँ पे फॉर $5 अप्रॉक्स, हाफ के जी वाली आपको $5 में मिल जाएगी,
कॉर्न ऑयल है $8 में, ये पीनट ऑयल आपको मिल रही है पीनट ऑयल 9.9 पर, काइंड ऑफ रिफाइन है हमारे इंडिया के। बट हम वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं जो कि है ये है $17.97 में पर 5 लीटर, तो ये अफोर्डेबल डील है रियली। ये 5 लीटर वेजिटेबल ऑयल हम ये यूज करते हैं एज अ रिफाइन, और हम मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं डाबर की, जो कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि मेहंदी अपने को दिखे तो वो शायद इंटरनेशनल सेक्शन में मिलेगी। यूज करती हूँ सैंडविच वगैरह में और रैप्स वगैरह में, ये पिकल्स यहां की पिकल काफी अच्छा है, $4.77 यहाँ के सबवे और मैकडी में यूज होता है, मेरा तो फेवरेट है ये, मैं ऑलमोस्ट हर सैंडविच और बर्गर में यूज करती हूँ ये, आप भी जरूर ट्राई करना। बिल्कुल बुरा लगता है, मैं इसको टच भी नहीं करता। ये यहाँ के पिकल है 4.77 की। ये बिस्किट आपको मिल जाएगी $2.98 में, क्या प्राइस क्या है ब्राइट दोनों का? $3.27 फॉर 1 kg, ओके $3.27 फॉर 1 kg, ब्राउन शुगर भी है, वाइट शुगर भी है। बट अभी मेरे पास है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको ये पैक ऑफ गोलगप्पा चाहिए जिसमें अप्रॉक्स आपको 50 पीस मिल जाएगी, ये आपको मिलेगा $3.74 में, तो ये काफ़ी अच्छा डील है। ये आपको निमकी वगैरह ये फॉर $5 है, हमने एक बार दिया था और काफ़ी अच्छा मिला, ये हम ले सकते हैं गेस राइट, ले सकते हैं। ये है $3.77, ये है लिंकी जो मैं लूँगी बिकॉज़ चाय के साथ काफ़ी स्वाद और काफ़ी चाव के साथ और काफ़ी जायका के साथ हम खाते हैं। अच्छा। टाइम पास के लिए बहुत कुछ चाहिए भाई, बहुत कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ये है सोनू का फेवरेट हल्दीराम का सेव। यस, ये मैं खाता हूँ। दो ले ले? हाँ दो लेना। दो ले लेते हैं। पार्ले जी जो कि है $1.37 में 300 ग्राम वाला, तो ये बड़ी वाली पार्ले जी मैं ले रही हूँ और ये है $1.37 में। और मैगी वगैरह सारी अवेलेबल होती है, सारी प्राइस भी यहाँ बहुत $1.37 में, इसको भी हम दो ले सकते हैं। कुरकुरे वगैरह सब 1.37 की है, और यहाँ नीचे जो भी आप देख रहे हो हल्दीराम्स का भुजिया, बादाम, पीनट, ये रायता, और क्या है ये रतलामी सेव, ये सारी 1.77, 1.3, ये सारी अवेलेबल है। ये हमारा मैगी सॉस 3.98। ये नेशनल का भी जो भी है सारा, लाइक पाकिस्तान का शायद, वो भी सारा अवेलेबल है। ये शान भी पाकिस्तानी मसाले हैं, ये सारे अवेलेबल। शान की यहाँ पे लोग बहुत चलती है शान मसाला और नेशनल का, बट हमें MDH और टाटा और एवरेस्ट मिल जाती है। पकौड़े खाने में तो बेसन के चाहिए, बेसन के बिना पकौड़ा वगैरह का मज़ा है नहीं, तो बेसन मिल गई 4.97, ये है 1.8 kg $4.9 की, बहुत सही है, आराम से इसको ले जा सकते हैं। बट अभी हम लास्ट वीक दे लिए हैं, बेसन नहीं लेंगे। मकई की रोटी को खाना है भाई आपको, तो ये चाहिए, ये है आपको 2.47 और 2 kg, ये भी ले सकते हैं। और भी चूड़ा यहाँ मिल जाता है, उसके बिना तो नाश्ता और शाम का थोड़ा फ्राई करके खाना जरूरी है। ये है 3.77 फॉर 1 kg, 1 kg के पैकेट फॉर 3.77। और ये आपका गिट्स का सारा रेडीमेड इडली, रवा डोसा, सांभर, दही वड़ा सब कुछ है, तो आप यहाँ से रेडीमेड सब कुछ उठा सकते हो और ले सकते हो। पिछले बार मैंने ये रवा इडली लिया था, काफ़ी अच्छा था, सो आप ट्राई कर सकते हो। गिट्स की सारी चीज़ है यहाँ पे। और ये आपका न्यूट्रेला सोया चंक्स फॉर $2.77 एक पैकेट का। बासमती राइस 14.97, यहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं बासमती, यहाँ पे इंडिया गेट में मिलती है वो 16 की 5 के जी आ जाती है। जैसे ये कोहिनूर बासमती है, ये आपकी 11.97 फॉर हाउ मच? ये भी 8 LB 4 kg अप्रॉक्स है वो 11 LB में। ये यहाँ पे एक और ब्रांड चलती है सितारा, ये भी 5 kg है और इसकी प्राइस है 15.97 सितारा 15.97। ये है हमारा चना जो है आपको मिल जाएगा ये 8 MP 9.27 में। ये हमारा मसूर दाल जो कि हम डेली खाते हैं, मसूर दाल ये मैंडेटरी है हमारे लंच में, और ये है 4 LB $4.07। और ये हमारा ब्लैक दाल जो कि है 4 LB $5.37
ये काबली चना आपका 3.62 केजी है, और रहर दाल फॉर $8, ऑलमोस्ट 1 kg ऑलमोस्ट 200 ग्राम और 5.97। तो चाय की सारी वैरायटी है, कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी ब्रू 4.59 200 ग्राम। हम यहाँ से भी चिकन लेंगे और चिकन का प्राइस भी आपको बताएंगे। आपको सिर्फ लेग पीस लेना है तो आपको इस टाइप का पैकेट मिलेगा, और इसमें है अप्रॉक्स 1 kg 100 ग्राम, और ये है $50 का, और इसमें सारे लेग पीस आपको मिलेंगे अप्रॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 लेग पीस है, 1.1 kg है, और प्राइस है $50। हम प्रीफर करते हैं चिकन ब्रेस्ट लेग पीस, अभी नहीं ले रहे कि बहुत बड़ी हो जाती और है। विंग्स भी आप ले सकते हो, हम विंग्स चिकन विंग्स भी ले लेते हैं। विंग्स आपको है ये अप्रॉक्स 900 ग्राम फॉर $11.11, तो आप विंग्स भी ले सकते हो। और आपको चिकन ब्रेस्ट लेना है तो फिर आपको ये 1 kg का पड़ेगा फॉर $20, 1 kg 100 ग्राम फॉर $20। तो ये हमारा बोनलेस स्किनलेस चिकन थाई, तो ये है अप्रॉक्स 800 ग्राम, और ये है $13.41 का, ये हम लेंगे। फाइनली हमने चिकन अब ले लिया है, अब ये भी पता नहीं और क्या लेंगी। और धनिया पत्ती भी लेनी है अपने को रिम्पी। हम ले लिए गोभी वाइट वाली, ब्रोकली भी है 3.97 पर LB, ये हमने लिया 4.97, ये USA की गोभी है, ये बंद गोभी भी है जो अभी हम नहीं ले जाएंगे बट इसकी प्राइस है 3.97 एक पीस की। मेथी लीव्स, हाँ मेथी वी कैन ट्राई, मेथी हम ले सकते हैं। मेथी है फॉर $2.47, एक बंच आपको मिलेगा $2.47। तो हमने मेथी ले लिया है। मैं पालक की बात करूँ तो ये है एक बंडल 2.47 की, ये प्रोडक्ट ऑफ कनाडा है, ये सही है, पालक की टेस्ट सही है। हमारा मिर्ची जो कि एक पैकेट मिल रहा है आपको अप्रॉक्स 100 ग्राम फॉर $3.97, तो यहाँ पे भी एक्सपेंसिव है। अब हम आगे अपने मेन इंग्रेडिएंट पे जो कि है आटा, तो हमें 10 kg आटा मिल रहा है फॉर $18.97, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, हम ले सकते हैं ये, बट हमारे पास ऑलरेडी आटा है। तो और आप आशीर्वाद को लोगे तो वो डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स में डिफरेंट प्राइसेस है। आशीर्वाद का भी आटा 10 kg मिल जाता है, कहीं पे 22, कहीं पे 24, कभी डील रहा तो $19-20 में एक पैकेट मिल जाता है। और यहाँ पे ये डिफरेंट, ये चीनी भी है इनका, ये सारा वर्का का है। कद्दू मिल गई है जो हम खाते हैं, वो ले लेते हैं, कद्दू दाल बन जाएगी। रिम्पी एक फटाफट ले ले। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो इट्स अराउंड 1.77 पर LP। तो हम ये एक लेंगे, हमारे लिए काफ़ी है दो लोग के लिए, एक लेते हैं। ये बैगन जो कि है एक प्लांट, ये छोटी वाली, ये है ओकरा, बट भिंडी जो कि हम लेने वाले नहीं हैं, इंडियन नहीं है, और बट फिलहाल हम ले लेते हैं एक प्लांट क्योंकि अभी प्लास्टिक ले रही हैं। और हम ये लेंगे बैगन जो कि है इंडियन एग प्लांट फॉर $2.77 फॉर हाफ kg। ये हम 400 ग्राम लाइक 450 ग्राम एक LB ले लेंगे। तो वेजिटेबल्स की प्राइस फ्रेस्को में ज़्यादा अच्छी है, सस्ती है एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट और सेफवे। शैम्पू, क्योंकि हमारा शैम्पू ख़त्म हो गया है और हम यूज़ करते हैं ट्रेस में ऑलवेज, तो हम लेंगे ट्रेस में डैमेज रिकवरी, और ये है
$5.97 का, और इसमें है अप्रॉक्स 828 ml। तो दिस इज़ फॉर $5.97, तो हम ये ले रहे हैं। हमें वाइड वैरायटी ऑफ शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश सारा कुछ अवेलेबल है, बट अपने को उतना कुछ चाहिए है नहीं और अपने को उतना एक्सप्लोर करना है नहीं, तो हम अभी उस सेक्शन पे नहीं जाएंगे। बस आपको एक ओवरऑल ऊपर से दिखा देते हैं कि इनका रेंज ये 5 to 8, 9 के रेंज में सारा आ जाता है। अगर मैं एक एवरेज साइज़ की बात करूँ और एक एवरेज क्वान्टिटी की बात करूँ तो देखो, अगर आप हरी में आप रोटी नहीं बना सकते, आपको टिफिन में रोटी चाहिए, तो आपको $2.97 में मेथी रोटी मिल रहा है, और ये है अप्रॉक्स आपका 100 ग्राम, और इसमें आपको 10 रोटियां मिल जाएंगी मेथी रोटी। डाला है एमपी के लिए, टिफिन के लिए, इमरजेंसी के लिए, बस गर्म करना है, सब्जी लेना है, फटाफट निकल जाना है। तो 4.27 में यहाँ 10 बड़ी बड़ी रोटियां हैं। मैदा का या आटा का? ये मैदा है। ये भी वैरायटी ऑफ रोटी है, ये भी आपको 3.77 का है, आटे का भी है और ये मैदे का भी है, और इसमें 10 पीस है टोटल। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है टिफिन वगैरह के लिए, लंच बॉक्स के लिए, अगर आप रोटी नहीं बना सकते हो तो हम लेंगे ये, क्योंकि ये होल वीट है और इसमें 10 पीस है बड़ी बड़ी। हमें बहुत सारी टोटिलाज बोलते हैं, टोटिलाज वीट की, मैदे की मिल जाती है, मेथी पराठा, नान, ये भी मिल जाता है रेडी टू, बस आपको लेना। और अगर आप हड़बड़ में हो, टाइम नहीं मिल पा रही, खासकर बैचलर्स के लिए जो कि ऑन साइट आते हैं या वर्क में बिजी रहते हैं, मेथी रोटी और ये होल वीट रोटी। चले अब हम चले बिलिंग करने, हमने हमारा सामान ले लिया जो भी हमें चाहिए था, और नंदन ने एट द एंड दो चेयर भी ले लिया, एक चेयर ये और एक ये टेबल जिसमें मैंने सब्जी रख दिया, और ये दोनों मिला के हमें पड़ा है $35 का, राइट? $35 का हमें चाहिए भी था, हमारे पास एक चेयर था, सो नाउ वी हैव वन चेयर मोर एंड वन टेबल। तो ये हमारा ग्रॉसरीज हो गया, जो कि हमने इस वीक बहुत थोड़ा लिया है, वो है $72 का, अपार्ट फ्रॉम द चेयर एंड स्टूल। तो सिर्फ एक हफ्ते की ग्रॉसरीज थोड़ी सी $72 की है, जनरली इसका डबल होता है एक वीक का। तो आपको एक महीने में लगभग पूरी ग्रॉसरी स्नैक्स वगैरह के साथ आपका 600 तो आराम से आ जाता है दो लोग का, कपल का। तो हम घर आ चुके हैं और ग्रॉसरीज भी हमारी हो गई है एक वीक की बेसिकली, और हम सब महीने में 4 बार जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इकट्ठे एक बार में सारा कुछ लेके आए। आप 4 बार में जाओ और हम लिस्ट के थ्रू जाते हैं, लिस्ट बना लेते हैं और पता रहता है क्या क्या लेना है। उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या करते थे हम, बिना लिस्ट के जाते थे और ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ ले लेते जिसकी ज़रूरत है नहीं मे बी, और वो एक्सपेंस बढ़ जाता था। तो अभी हम लिस्ट बनाते हैं और महीने में 4 बार करते हैं, ग्रॉसरीज ले लेते हैं। और उसके साथ साथ हम आज हमने चेयर एक स्टूल भी ले लिया, बट हमने वॉलमार्ट तो पहले भी हम जाते थे, बट अभी हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है फ्रेस्को, क्योंकि फ्रेस्को में ग्रॉसरीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब बहुत ऑप्शन हैं और प्राइसेस थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में ऑप्शन में वो कम लगा, जैसे मिर्ची हम वहाँ पे 400 ग्राम 500 ग्राम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे हमने एक डब्बी ली है वो भी $3.5 की, 100 ग्राम की अप्रॉक्स $4 में। तो आपको पता होगा चलो फ्रेश को जो है हमारे प्रोविंस में कैलगरी में चलो फ्रेश को बहुत पॉपुलर है, स्पेशली फॉर इंडियन ग्रोसरीज। तो हमको अभी तक ऑलमोस्ट 5 महीने हो गया ग्रोसरीज लेते हुए, तो हम चलो फ्रेश को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि वहां हमें थोड़ा चीपर प्राइस में लॉट्स ऑफ वैरायटीज मिल जाती है, तो इसलिए हम जनरली चलो फ्रेश को ही जाते हैं। बट वॉलमार्ट में हम बस ऐसे आज ट्राई करने के लिए चले गए, क्योंकि ये सामने पड़ता है हमारा, थोड़ा डिस्टेंस कम है, चलो फ्रेश को थोड़ा दूर पड़ता है। तो ओवरऑल हमें थोड़ा सा चीपर प्राइस और लॉट्स ऑफ वैरायटी चलो फ्रेश को में मिलती है, बट और उसकी एक वीडियो हम बना देंगे, उसकी वीडियो भी हम लेंगे, थोड़ा कंपैरिजन और क्या क्या हम वहाँ पे लेते हैं अपने साथ आपको भी घुमा देंगे, और एक कंपैरिजन भी हो जाएगा जो कि बेटर होगा। हाँ, तो जैसे एक हफ्ते की ग्रोसरीज लेने के बाद मेरे को फील हुआ कि अगर हम यही महीना भर का ग्रोसरी अगर हम वॉलमार्ट से लेंगे तो हमारा अप्रॉक्स बिल बन जाएगा $650 जैसा, बट यही अगर हम चलो फ्रेशको से अपना मंथली ग्रोसरीज लेंगे तो हमारा अप्रॉक्स $550 कम में हो जाएगा, क्योंकि मेरे को वेजिटेबल्स, मिर्ची वगैरह थोड़ी महंगी लगी इन कंपैरिजन टू चलो फ्रेशको। सो ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो वॉलमार्ट का। तो क्योंकि बहुत सारे प्रोविंस में आई गेस चलो फ्रेशको है नहीं, तो वॉलमार्ट ही उसके अलावा अदर अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और उनके साथ शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है।
तो टिल देन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।